पहली बात तो ये है कि खली बली जो फिल्म है, इसमें आज एक गाना हमने रिकॉर्ड किया। एंड सबसे बड़ी बात है कि गाने में जो चीज़ हम लोग मिस कर रहे थे कि मेलोडी इज़ नॉट देयर, मेलोडी मिसिंग, तो ये फुल अप मेलोडी ये जो गाना किया इन्होंने, शब्बीर अहमद का लिखा हुआ एंड पूनम जी का लिखा है, म्यूज़िक किया हुआ। तो पूनम जी आई थिंक एज ए फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर इतना अच्छा गाना बनाएंगे वो मैं सोचा भी नहीं था। तो मेरे को आके बड़ा मज़ा आया कि मुझे बुलाया गया एक ऐसे गाने के लिए जो गाने में मेलोडी है। तो सेलेक्टिव हो गए आप गाने के लेकर, क्या कहना चाहेंगे आज के गीत संगीत में? आपको नहीं लगता कि उस तरह का मधुरता है जो आपको सूट करता है? नहीं, मधुरता आज भी हो रहा है लेकिन लेस क्वांटिटी, पहले भी हुआ करता था ज़्यादा थोड़ा सा, आज भी हो रहा है। खराब गाना, सभी खराब गाना हो रहा है ऐसा नहीं बोलूँगा, अच्छा गाना भी बन रहा है लेकिन क्या है, लेस क्वांटिटी। पहले जैसा 8 के 8 गाना, 10 के 10 गाना मेलोडी होता था, चाहे वो पॉप नंबर क्यों ना हो लेकिन मेलोडी रहता था। तो आज उसका थोड़ा सा मिसिंग है, बट आज भी अच्छा गाना बन रहा है। और विशेष खास करके खली बली के जो गाने आज मैं गाया, मैं तो पहले डायरेक्टर को बोलूँगा कि ऐसे गाने चूज़ करना और उसको फिल्म में रखने का बहुत बड़ा हिम्मत होना चाहिए कि उस एरा का म्यूज़िक को उन्होंने फिर से सामने लाया। एंड थैंक यू फॉर दैट डायरेक्टर साहब भी, हमारे डायरेक्टर आप बताइए ना कुछ। बस ये तो सौभाग्य की बात है कि आज इतना रोमांटिक सॉन्ग, वो तो किंग हैं अपने दादा, तो रोमांटिक सॉन्ग से क्या क्या इन्होंने हिट नंबर्स दिए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी फिल्म का आज सॉन्ग का मुहूर्त हुआ है और दादा के सॉन्ग से, बहुत प्यारा गाना। और जब हम प्रोड्यूसर साहब कमल जी और हम जब और शबीर भाई और सब बैठे थे तो बस एक ही नाम सबके नाम, और वो नाम अनबर्गल दादा का। डेफिनेटली मैं कोशिश किया जितना हो सके मेरे से, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आप लोगों को भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा ये गाना। दादा हाल ही में रानू मंडल जो सिंगिंग सेंसेशन हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कि जिस तरह से डिस्कवर किया हिमेश जी ने उनको, कितना अच्छा चीज मार रहे हैं कि नया स्टेप मार रहे हैं, मतलब डिस्कवर करने का? अभी सबसे मुश्किल क्या हो गया मालूम है, जब से हिमेश ने रानू मंडल जी को आविष्कार किया तब से हमारे पास कम से कम नहीं तो 17-18 फोन रोज का आ रहा है, हमें भी आविष्कार करो। वो कह रहे हैं कि हमें भी आविष्कार करो। तो अभी इतना तो हमारे से संभव नहीं है, ना हिमेश के पास इतना संभव है अभी। ठीक है, रानू जी अच्छा गा रही है एंड आई थिंक हिमेश जी ने एक अच्छा काम किया। पर ऐसा काम अगर सबसे उपेक्षा करें तो देशवासी, अगर हमारे देश में सब करें तो फिर बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा लेडीज सिंगर को, आई थिंक यहाँ पर ही मिल जाएगा सारा। एंड बहुत सारे सिंगर्स हमारे यहाँ पे है, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं जिनको आविष्कार करने का ज़रूरत है। एंड हिमेश जी ने एक रास्ता खोल दिया। खास ख्याल पहले मैं ये कहूँगा एक बात कि आप लोगों को याद होगा कि आज से कई साल पहले मैं दिल्ली का एक लता जी, लता करके एक लड़की को मैंने, अपाहिज लड़की को मैंने अपने फिल्मों में गाना गवाया था। तो जो भी है ऐसा काम प्रयास करना चाहिए, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन मैंने कोई ऑफर नहीं दिया, नहीं नहीं मैं कोई ऑफर नहीं दिया, ये ऑफर नहीं है। मेरे को किसी ने पूछा कि आपको अगर मौका मिले तो आप रानू जी के साथ गाएंगे, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल गाएंगे, क्यों नहीं। मैंने हमेशा नए लड़की के साथ गाना गा चुका हूँ, बहुत सारे गीत ऐसा है जो न्यू लेडी सिंगर जो आते हैं उनके साथ, तो रानू मंडल व्हाई नॉट। अगर वो गाना चाहती है और मेरे को वो ऑफ़र करती है कि कोई फिल्म में कोई प्रोड्यूसर मेरे को ऑफ़र करती है कि रानू जी के साथ आपका डुएट गाना है, तो आई खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सिंगर अच्छा होना चाहिए ना कि बाकी और कुछ। दादा जैसा भी आपने देश की बात कहा तो कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली पाकिस्तान को इशारा आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि आई डोंट थिंक उसको लेके अभी हम लोगों का टेंशन तो बहुत ज़बरदस्त है हमारे देश के साथ, पड़ोसी देश का। इसलिए क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये सब चीज़ को थोड़ा सा रुकना चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों देश आपस में बात करके कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ हल निकाले। एंड दैट हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम एक पड़ोसी देश के साथ मारामारी करके मर जाए, सब मर जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपस में कुछ हल निकलेगा और कुछ ना कुछ तो इसका हल निकलेगा। एंड डेफिनेटली हम सुखी सुखी रहेंगे
मतलब खुशी खुशी, नॉट सुखी सुखी, खुशी खुशी, खुशी खुशी रहेंगे एंड पड़ोसी देश भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, हम लोग सब चाहते हैं ये। क्योंकि संगीत का कोई दायरा, क्योंकि संगीत का कोई दायरा नहीं होता और कहीं ना कहीं अगर इंडिया से जाकर वहाँ परफॉर्म किया जाता तो विरोध प्रदर्शन होने लगता है। हाँ तो फिर इसलिए जब हम जाते हैं तो हमारे खैर हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं, हमारे कोई फिल्म जाता है या हमारे कोई परफॉर्मेंस जाता है तो फिर वो उस पर रोक होता है, फिर उनका कोई इधर आता है तो इस पर रोक होता है, तो ये चीज़ नहीं चलना चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। वो भी बिंदास हमारे यहाँ पे आए, हम भी वहाँ पे बिंदास जाए, क्योंकि हम लोग पहले तो एक ही था, अब दो हुआ, तीन भी हो गया, अभी पता नहीं आगे कितना होगा। सर पहले कैसेट का ज़माना था, वीडियो दिखता नहीं था, फिर भी सिंगर का ज़्यादा प्रमोशन ना होने का भी बहुत अच्छा गाना चलता था आप लोगों के दौर पे, लेकिन आज वीडियो पे सिंगर दिख रहा है फिर भी टिकटॉक का सहारा ले रहा है, ऐसा क्यों? देखिए टेक्नोलॉजी ऐसा चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ता जाएगा हमारे पे खतरा उतना बढ़ते जाएगा, अच्छे के लिए भी होता है बुरे के लिए भी होता है। तो अभी अच्छे के लिए जैसे कि हम रिकॉर्ड कर रहे थे, हमारा अगर कोई जगह हमको लगा कि ये लाइन को हमको दोबारा गाना है तो टेक्नोलॉजी अभी इतना फास्ट है कि हम उस लाइन को दोबारा रिकॉर्ड करके, ये अच्छा अच्छी बात है। अभी अगर कोई सिंगर ना हो उसको अगर टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर सिंगर बना दिया जाए तो ये टेक्नोलॉजी का तौहीन है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से आप जो कहा कि सीडी या कैसेट या आगे चल के और भी बहुत सारे चीज़ें होंगे जिसमें हम म्यूज़िक को उस तरह से, पहले एक माहौल बनता था, आज बहुत फास्ट हो गया लोग, टेक्नोलॉजी है, जब हम गूगल खुलने से सब कुछ मिल जाता है तो हम क्यों खरीदें क्यों, बट क्या है कि मालूम है एक इंडस्ट्री इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, ओनली टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, तो यू हैव टू गो एंड सी द थिएटर इन द मूवी। आप मूवी को अगर थिएटर में बैठ के नहीं देखेंगे तो उसका कोई मज़ा ही नहीं आएगा, तो इस चीज़ को तो छोटे में देखें तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे हारेगा। जिस गाने को आप बड़े स्पीकर में सुनेंगे, सुन के आपको जो मज़ा आएगा या हॉल में देख के आपको जो मज़ा आएगा, उसको आप एक छोटा सा कोई चीज़ में आप कान में लगा के सुन लिया तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, इसमें आप हारे। सो मैं वो बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, फास्ट आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अच्छे काम के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। इस म्यूजिक डायरेक्शन में, इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्शन में क्या ऐसे वेरिएशंस आपको देखने मिले जो 20 साल पहले भी कुछ बात आपको टच करती थी और आज भी इसके म्यूजिक में मिल गया? खली बली, खली बली, खली बली के स्टोरी के बारे में तो मैं, मेरे से ज़्यादा डायरेक्टर बता सकते हैं। म्यूजिक को लेकर सर? हाँ म्यूजिक तो मैं एक ही गाना गाया एंड डेफिनेटली कहूँगा कि एक बहुत ही मेलेडियस काइंड ऑफ म्यूजिक जो आज मैं गाया एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि इस तरह के गीत बनाने का और इस तरह के गीत को चुनने का ये जो साहस प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर इन लोगों ने दिखाया एंड डेफिनेटली लिरिक्स राइटर उसी तरह से ही लिखा। उसके बाद मैंने फिर से काम शुरू किया है और साउथ में मैं काफ़ी कर रही हूँ और हिंदी में करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई वॉन्ट के मेरी ऑडियंस, मेरे फैंस, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जो तमिल फिल्म नहीं देखते वो मुझे देखें और आपको एंटरटेन करने का मुझे एक और मौका, एक और बात मिले। नहीं मैं वेट नहीं करती, जैसे मैं कैसे कहूँ, यू नो थिंग्स हैपन एज दे डू, मैं कभी किसी का वेट नहीं करती, कोई किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करती, बट आई बिलीव कि थिंग्स हैपन इन देयर ओन टाइम एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम, जो जहाँ पर जिस वक्त मैं खड़ी हूँ यही परफेक्ट टाइमिंग है। मनोज जी इज माई परफेक्ट डायरेक्टर एट दिस मोमेंट, सो थैंक यू वेरी मच। रोल ये उस जॉनर की है, हॉरर कॉमेडी, एंड पहली बार मैं इस जॉनर में काम कर रही हूँ एंड आई नो मैं किस तरह से अपना रोल समझाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। डराएंगे आप? नहीं मैं नहीं डराती, मैं डराने वाले को भगाती हूँ। तो कितना नॉस्टैल्जिक फील करे जैसे आपने कहा कि सानू के साथ मिलके किस तरह का बॉन्ड शेयर कर जब मैंने इंडस्ट्री से, मैं ये नहीं कहूँगी जब मैंने छोड़ा था, लेकिन जब मैं थोड़े से समय तक मैंने जब एग्जिट ली थी तो मैं एक अपनी दूसरी दुनिया में चली गई, तो उसके बाद जब भी मुझे अपने लोग, मतलब अपने यानी अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोग मिलते हैं वो मुझे हमेशा अपने ही लगते हैं। जब मैं इनके साथ खड़ी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा जो पास्ट है, मेरे जो दोस्त है, ऐसा एक अपनापन, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर बिलोंग करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस आ गई हूँ जहाँ से मैं हूँ, जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ आ गई, तो इसलिए डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक फील करती हूँ।